पागल है क्या यार। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो अभी सुबह के 5 बजने वाले हैं, चाय हमने पी लिया है और मौसम बिल्कुल साफ सुथरा है, हल्की थोड़ी बहुत ठंड नज़र आ रही है। तो गाइस 6:15 होने को है और सूरज देखिए अभी निकल रहा है, कितना मस्त लग रहा है। देखिए आप यहाँ पे, ये देखिए कितना प्यारा नज़र आ रहा है, यहाँ पे चिड़ियों की चहचहाहट के बीच सूरज का निकलना और बादलों का देखिए कालापन, कितना सुंदर लगता है। तो गाइज हम निकाल रहे हैं दूध मस्त, क्योंकि अभी चाय बनाना ना, दूसरा चाय मिस्त्री लोग खड़े हो चुके हैं, उनको चाय पिलाना है। और वहाँ पे विष्णु चाय की डिमांड कर रहा है भाई, चारपाई पे बैठा हुआ है। अभिषेक ने तो चाय पी लिया और विष्णु ने चाय नहीं पिया अभी तक। अभी तैयार हो रहा है स्कूल जाने के लिए, बहुत जल्दी आज इसने खाना भी खा लिया और बहुत जल्दी आज उठ भी खड़ा रहा। आज काफ़ी मेहनत कर रहा है ये, कुछ दिनों से सुबह जल्दी खड़ा हो जाता है और पढ़ाई के लिए थोड़ा एक्टिव हुआ है अभी ये। चलो जल्दी करो बेटा, जल्दी करो। यहाँ पे गाइस माँ योगा कर रहे हैं, सुबह से लगे हुए हैं, 1 घंटा तकरीबन हो गया है और बच्चे स्कूल जाने की तैयारी कर रहे हैं। और इधर मैं सब खेत जाने की तैयारी कर रहा है, देख पा रहे हो। तो गाइस आज सुबह ही जो मिस्त्री भाई है वो लग गए हैं, क्योंकि आज रात को यहीं पे थे ठहरे हुए, तो अभी काम शुरू कर दिया इन्होंने सुबह जल्दी। आप देख पा रहे हो, देखिए ये क्या जुगाड़ बनाया भाई, ये देखिए, ये स्टैंड बनाने के लिए, यहाँ पे जाली लगाने के लिए इस कट्टे में मिट्टी डाल के यहाँ पे रख दिया है, उधर दीवार पे वो पेड़ सेट कर दिया है। और यहाँ भाई है वो ईंट ऊपर की ओर फेंक रहे हैं। ये गाय अभी ब्याने वाली है जस्ट ही, तो इस गाय को यहाँ पे अभी बांध दिया है छायादार स्थान पे, ऊपर पंखा भी चला दिया है। अभी इसको थोड़ा आहार भी देंगे जो अभी ठंडा हो रहा है। तो गाय इस ग्रेज के अंदर एक खूंटा कम पड़ रहा है, यानी पशु सारे इस ग्रेज के अंदर आ नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए हम एक खूंटा यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये तैयार करें। अभी इसके अंदर खुदाई की जा रही है अभी, और फिर यहाँ पे एक खूंटा रोपेंगे हम, ताकि गाय सारी आराम से आ जाए यहाँ पे। तो गाइज यहाँ पे आटा लगाया जा रहा है, क्योंकि मिस्त्री लोग यहीं पर खाएंगे ना खाना, तो सबके लिए आटा लगाना भाई काफी मुश्किल है। और यहाँ पे सब्जी का तड़का, वाह जी वाह, मस्त वाली सब्जी। आज किस चीज की सब्जी बनी है? आज बनी है गाइज टिंडी की सब्जी, बिल्कुल देसी टिंडी, जो बिरानी खेत है ना वहां से लाकर सब्जी बनाई है आज। वाह, सब्जी बना दी और यहाँ पे गायों के लिए काढ़ा तैयार हो रहा है, क्योंकि अभी आग जल ही रही थी ना, तो कहीं ना कहीं काढ़ा है ना वो सभी गायों के लिए बहुत जरूरी है इसमें, क्योंकि गायों लंपिस की डिजीज से पीड़ित काफ़ी हो रही है। तो ये बन रहा है काढ़ा मस्त वाला, यहाँ पे भी देख सकते हो आप सारी गायों के लिए काढ़ा उकाला जा रहा है। Yeah, your future's so bright, so just smile like there's no one want. तो गाइस पिताजी दुकान से आ चुके हैं, तो उनको खाना दे के आ रहा हूँ। तो गाइस दिन के 12 बज चुके हैं और मिस्त्री भाइयों को फिलहाल खाना परोसा जा रहा है और मैं उन्हें खाना दे करके आता हूँ। उन्हें भी भूख लगी, काफी काफी मेहनत कर रहे हैं सुबह से। तैयार है रोटी, इसमें डाल दो। तो गाइस यहाँ पे मिस्त्री भाई खाना खा रहे हैं मस्त। तो गाइस 12:30 होने को है, मिस्त्री भाइयों ने खाना खा लिया और फिलहाल हम खा रहे हैं। रमेश भी खेत से आ चुका है, तो वो भी खाना खा रहा है और यहाँ मैं भी खाना खा रहा हूँ। आज सब्जी बनी है मस्त वाली टिंडी की और रोटियां और यहाँ पे छाछ। तो अभी खाना खाते हैं, मिलते हैं बाद में। तो गाइस 1:30 बजने को और बच्चे स्कूल से आ चुके हैं, विष्णु खाना खा रहा है आराम से,
एकता ने खाना खा लिया है, पूनम खाना खा रही है, और राधा अभी आई। राधा लेट क्यों आई है तुम, अभी आई है देख। अच्छा, हाथ धो के आए। और वो कहाँ है अभिषेक, कहाँ है विष्णु, तेरे को साइकिल पर लाया या नहीं लाया? लाया। तो गाइस जहाँ सीमेंट के कट्टे आए हैं ना, उनको उतार रहे हैं भाई ट्रैक्टर पर से लेकर आए रमेश कुमार। कितने कट्टे लाया था? पांच कट्टे लेकर आया भाई। यही दुकान है ना नज़दीक में, तो यहीं से ले आते हैं। तो गाइस यहाँ से ये जो पौधे थे ना गुआर के, ये देखिए ये उखाड़ दिए गए हैं, क्योंकि जो बेल है ना ये, इसको ये खराब करने की कोशिश करी है। देखिए इसमें फंगस लग गया ना गुआर के अंदर, ये देखिए। तो विष्णु ने इनको उखाड़ दिया है और बेल को इधर की तरफ मोड़ दिया। ये देखिए करेले की जो बेल है ना, इसको भी इस नीम पर चढ़ाएंगे, इस नीम से फिर उस नीम पर चढ़ाएंगे, इस प्रकार से इसको उनसे चढ़ा देंगे। ये जो करेला है ना, इसके करेले लग चुके हैं, देख पा रहे हो आप? कह रहे वो करेले, और ये वो छिपकली तेरी बोरी, वो डरता क्यों है यार, छिपकली थोड़ी ना आई है। ये वो गिरगिट है गिरगिट की तरह रंग तो बदल जाओगे। ओ भागी यार, चिमकांडी दादी। ओ भागी, हो गई, वो नीम के पेड़ पर चढ़ गई। ये करेला इतना बड़ा कहाँ है? ये देखिए ये करेला है ना, इतना मस्त हो गया है। तो ऐसे यहाँ पे लगा के पेड़ वगैरह, और यहाँ से ऐसे सीधा उस पेड़ पर चढ़ाएंगे इधर वाले नीम पे, फिर ऊपर उस नीम पे, ऐसे करके इसको तैयार कर लेंगे। चार पे ला दे दादी को बाहर। ये रहा, ये रहा। अरे मार मत देना, तुम पागल है, मार मत देना। ओए मैं तेरे को बोल रहा हूँ, ओए पागल है क्या यार, तो कमाल हो गया। जीव को मारा थोड़ी ना जाता है, मारा जाता है बहुत अच्छे से। तेरे लगाऊं एक चापड़े? तो गाइस यहाँ पे माँ है, वो सबको खाना परोस के दे रहे, बच्चे लोग तो खा रहे हैं, और मुझे तो फिलहाल नहाना है भाई, नहाया नहीं हूँ अभी तक। तो मैं तो नहा के आता हूँ, और बच्चे लोग खा रहे हैं खाना मस्ती से। खाना खा ले विष्णु, खा रहा है एकता ने, खा लिया खाना? नहीं खाया। डोली में क्या लेके आई? चलो मैं भी जाता हूँ जल्दी से, नहा के आता हूँ। तो गाइस रात के 9:30 होने को है, और फिलहाल हम खा रहे हैं खाना, तो सभी ने खाना खा लिया है, और मैं सबसे लेट नहाता हूँ, क्योंकि मैं हूँ ऐसा ही, सबसे लेट नहाता हूँ, सारे नहा लेते हैं उसके बाद नहाता हूँ मैं। तो फिलहाल खाना आ चुका है, और खाने में है कढ़ी रोटी दूध। अब कढ़ी के साथ दूध क्यों लेके आई है, इसको बाद में लेके आना आधे घंटे बाद, ठीक है? ये ले जाओ ये। तो भाई कढ़ी और रोटी खाते हैं फिलहाल, दूध पियेंगे तकरीबन आधे घंटे बाद। तो आज आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताया करो। अगर वीडियो अच्छा लगता तो आप लाइक ज़रूर करें, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।